नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जो साउथ से आ रही है, यानी कि साउथ की एक ऐसी मूवी जो दोबारा से इतिहास रच देगी और इस मूवी का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। अगर हम पिछली मूवी की बात करें साउथ की, तो 2.0 एक ऐसी मूवी थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। अगर मैं दूसरी मूवी की बात करूं साउथ की, तो थी KGF, जिसने की एक इतिहास सा रच दिया और इतने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। और अब एक ऐसी मूवी आ रही है जो कि सच में एक ड्रामा थ्रिलर और आपको बहुत बड़े बड़े उसमें सस्पेंस देखने को मिलेंगे, यानी कि इस फिल्म का लोगों को अब बेसब्री से इंतजार हो रहा है। 2.0 ने करोड़ों रुपए कमाया है, यानी कि अभी भी लोग उसे देखना पसंद कर रहे हैं बॉक्स ऑफिस पर जाकर। अगर मैं दूसरी फिल्म की बात करूं KGF की, तो अभी तक ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगी हुई है, यानी कि करोड़ों की कमाई के बाद भी इसको देखा जा रहा है। और अब इंतजार है सिर्फ पहलवान मूवी का, यानी कि पहलवान एक ऐसी मूवी बन चुकी है और इसकी चर्चा इतनी ज्यादा जोरों पर है कि लोग एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए, इसके ट्रेलर के लिए, इसके अपकमिंग पोस्टर्स के लिए। और ये जो मूवी है ये मार्च तक रिलीज होगी, यानी कि 19 तारीख तक इस मूवी को रिलीज कर दिया जाएगा सिनेमास में। अगर मैं इस मूवी की बात करूं तो ये 8 भाषाओं में रिलीज होगी, यानी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं में इसे रिलीज किया जाएगा, जिससे कि करोड़ों की कमाई इसकी हो सकती है, काफी अच्छा बिजनेस ये कर सकती है। और पहलवान एक ऐसी मूवी है जो कि अपकमिंग इंडियन कन्नड़ा लैंग्वेज मूवी है, यानी कि एक्शन से भरी हुई है, ड्रामा से भरी हुई है और काफी ज्यादा इसके जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा अच्छी है। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो इसका डायरेक्शन कर रहे हैं एस कृष्णा, जो कि बेहद अच्छे राइटर है, काफी अच्छे डायरेक्टर है। और इस फिल्म में आपको नजर आने वाले हैं किच्चा सुदीप, यानी कि किच्चा सुदीप के नाम से उस फिल्म को देखना अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छी बात है। किच्चा सुदीप के साथ इस फिल्म में आपको नजर आने वाले सुनील शेट्टी, यानी कि बॉलीवुड के एक ऐसे स्टार जिनकी फिल्म का बेसब्री से इनके फैंस को इंतजार रहता है, और जब वो साउथ के सुपरस्टार्स के साथ नजर आएंगे तो बड़े पर्दे पर क्या धमाल मचाएगा वो अभी देखना बाकी है। अगर मैं इसके टीजर की बात करूं पहलवान की, तो इसका टीजर सचमुच बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। और इसके टीजर में साफ साफ ये चीजें देखी जा रही हैं कि इसकी स्टोरी कहीं ना कहीं सुल्तान मूवी से मिलती जुलती हो सकती है। हो सकता है कि स्टोरी कुछ अलग हो, लेकिन अभी तक जो चीजें हमारे सामने आई हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि इसमें रेसलिंग का कुछ पार्ट आपके सामने आ रहा है, जिसमें कि किच्चा सुदीप का जो लुक है वो बेहद अच्छा है, बेहद इंप्रेसिव है और लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। और किच्चा सुदीप शायद इस मूवी से इतिहास रचने को तैयार है, और उनका नाम जो होगा इस मूवी में वो कृष्णा होगा, जो कि धर्म की लड़ाई लड़ेंगे। अगर मैं दूसरे रेसलर की बात करूं तो उनका नाम है कमसा, जो कि कृष्णा के यानी कि किच्चा सुदीप के ऑपोजिट में होंगे। अगर सुनील शेट्टी के अलावा मैं बात करूं तो इस मूवी में जो किच्चा सुदीप का साथ देंगे वो सुशांत सिंह भी हैं और काफी अच्छे एक्टर हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि किच्चा सुदीप यहीं पर थमे नहीं है, वो बॉलीवुड में भी एंट्री करने जा रहे हैं और दबंग 3 के लिए उनको साइन कर लिया गया है, यानी कि सलमान खान के साथ जब किच्चा पहलवान नजर आएंगे तो बड़े पर्दे पर क्या धमाल मचेगा ये अभी देखना बाकी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस फिल्म को लेकर इतनी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं, इतनी ज्यादा बातें हो रही हैं कि शायद ऐसा माना जा रहा है कि 2.0 के बाद जैसे KGF ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया, तो अब KGF के बाद पहलवान तैयार है पूरा धमाका करने के लिए। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पहलवान रिलीज होने के साथ साथ ये भी अच्छे अच्छे रिकॉर्ड तोड़ देगी और किच्चा सुदीप दोबारा से अच्छी अच्छी टक्कर देंगे बॉलीवुड के खान्स को या फिर किसी और एक्टर को, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ साथ टुडेज की ऐप को जरूर डाउनलोड करें। धन्यवाद।